नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी जब जब फंसती है, हिंदू खतरे में है, इस बात की दुहाई दी जाती है। लेकिन ये हिंदू खतरे में है या वाकई हिंदू खतरे का डर दिखाया जाता है। एक आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। एक आरटीआई लगाई गई और आरटीआई लगा करके मोदी सरकार से, गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया कि आप बताइए कि वाकई हिंदू खतरे में है, और अगर वाकई हिंदू खतरे में है तो फिर किसकी वजह से और किस बात का हिंदुओं को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, यह सवाल पूछा गया। और सवाल के जवाब में जो उत्तर आया है वो उत्तर करारा तमाचा है। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार को गृह मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया है वो एक करारा तमाचा है। और सारे बीजेपी के नेताओं को इस जवाब की फोटोकॉपी वो सामने लगा लेनी चाहिए दीवार पर, ताकि पता चले कि ये हिंदू खतरे में है या नहीं है। इस पर मोदी सरकार के अंडर गृह मंत्रालय, मोदी के साथ साथ अमित शाह जो है उसके बॉस है गृह मंत्रालय के, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है वो जवाब उनको दीवार पर लगा लेना चाहिए। एक आरटीआई लगाई गई, ये खबर आप देखिए, ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया की भी खबर है और भी कई वेबसाइटों पर जो है खबर छपी है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर आप देखिए, आरटीआई का जवाब, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा हिंदू धर्म का खतरा काल्पनिक है। तो कहीं से हिंदू धर्म पर कोई खतरा नहीं है। और जो खतरा 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 ये जो बात लगातार कहते हैं, जो दिन भर माला जपते हैं खतरे की, वो काल्पनिक है, वो बनी बनाई हुई बातें हैं, मन घड़ंत है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। जहां पर ये कहते कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है, योगी मोदी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है, कोई ऐसा नहीं कह रहा है। मोदी सरकार में अमित शाह जिसके बॉस है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात को कह रहा है कि ये सारी बातें जो है काल्पनिक है। ये खबर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जागरण में भी खबर छपी है, और जागरण की खबर आप देख लीजिए। जागरण ने लिखा है, आरटीआई में खुलासा, हिंदू धर्म को कोई खतरा होने की बात जो है वो काल्पनिक है, गृह मंत्रालय बात कह रहा है। तो सभी जगह जो है खबर छपी है। इसके साथ साथ एक और आपको दिखाते हैं, सत्य हिंदी ने भी इसको छापा है, और सत्य हिंदी ने लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के आवेदन के जवाब में कहा है कि हिंदू धर्म के खतरे होने की कोई सबूत नहीं है, अब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का रुख क्या होगा। वाकई अब बीजेपी क्या करेगी, आरएसएस क्या करेगी, विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा, सोचना चाहिए। अब उनके पास में तो कोई मुद्दा बचा नहीं। जहां तहां पर जो है वो मुसलमान को जय श्री राम के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर मारा जाता है, तो यही कहा जाता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा था, हिंदू धर्म को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का काम कर रहा था, हिंदू धर्म खतरे में है, सब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, हिंदुओं को जागना होगा, ये सारी बातें तो कही जाती हैं। और जब ये बात कह दी गई तो फिर उसके बाद में सारी बातें खत्म हो जाती है। ये खबर आप अंत तक जरूर देखिए। इस खबर में आपको दिखाएंगे कि बीजेपी के किस किस बड़े बड़े नेता ने इस तरह के बयान दिए हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आरटीआई लगाई किसने है। यह आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिंदू धर्म के लिए किसी भी खतरे को मात्र काल्पनिक बताते हुए इस विषय में संबंधित आशंका और सवालों को प्रभावशाली ढंग से खत्म कर दिया है। भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागपुर के कार्यकर्ता है जिनका नाम है मोहनीश जब्बलपुरे के आरटीआई सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू धर्म के लिए किसी भी खतरे से संबंधित कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है। इस लाइन को बीजेपी के नेताओं को अपने दीवार पर लटकाना चाहिए। जब्बलपुरे ने 31 अगस्त को एक आरटीआई के तहत देश में हिंदू धर्म के लिए खतरे का सबूत मांगा, जो कथित रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में था। एक महीने बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आंतरिक सुरक्षा वीएस राणा ने इस आशय का जवाब दिया कि वो हिंदू धर्म के लिए कथित खतरों के बारे में न तो जागरूक है और न ही उनके पास में कोई जो है वो सबूत है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। इसमें जो है हल्की सी एक नसीहत देते हुए कहा गया है कि आरटीआई अधिनियमों के तहत नियमों के अनुसार जन सूचना अधिकारी पीआईओ केवल वही जानकारी दे सकता है जो उनके पास में उपलब्ध है, जो जानकारी उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि केंद्र सरकार के पास में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बात को
इस अखबार की कतरन को बीजेपी के नेताओं को एक फ्रेम में लगा करके अपनी दीवार पर सामने रखना चाहिए। सोने के बेडरूम में जहां है वहां पर रखें, ऑफिस में जहां पर वो बैठते हैं वहां पर रखें, जहां पर खाना खाते हैं वहां पर भी सामने दीवार पर रखें, ताकि पता चल जाए, देखते रहे कि हाँ हिंदू खतरे में नहीं है, मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, कॉलेज, इन पर काम करना पड़ेगा। रोड, सड़क, नाली, इनके लिए काम करना पड़ेगा। हिंदू जो है वो खतरे में नहीं है, खुद मोदी सरकार इस बात को कह रही है। ये रोजाना उस बात को उठते बैठते खाते पीते इस बात को पढ़े, ताकि इस बात को जो है उनके दिमाग में बैठ जाए। ये आप देखिए, कुछ एक आपको दिखाते हैं किस तरह से बार बार जो है हिंदू खतरे में बात कही जाती है। ये आप देखिए, पत्रिका की खबर है और इसमें लोकसभा में योगी ने कहा यूपी में खतरे में है हिंदू भाई मां बहने। योगी आदित्यनाथ वो खुद के जो है लोकसभा में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मां बहने जो है वो खतरे में है, हिंदू मां बहने मतलब हिंदू धर्म खतरे में है। अब यो योगी आदित्यनाथ को जो है उनको भी अपने ऑफिस में, दफ्तर में, गाड़ी में सब जो है एक ये फ्रेम में लगा करके रखना चाहिए इसको। इसके साथ साथ आप देखिए, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी खतरे में है हिंदू, मोहन मरकाम। ये जो है मोहन मरकाम है बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि पहले पश्चिम बंगाल में, बिहार में हिंदू खतरे में था, अब छत्तीसगढ़ में भी जो है वहां पर भी हिंदू खतरे में है। ये इन्होंने कहा था। ये खबर 27 मई 2021 की खबर है, पुरानी खबर नहीं है। इसके साथ साथ आप देखिए, एक खबर है 31 दिसंबर 2020 की, बीजेपी नेता दिलीप घोष के बिगड़े बोल, कहा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपको हथियार उठाना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। अब दलीप घोष, जैसे उनकी छुट्टी हो गई है, अध्यक्ष अब वो नहीं रहे हैं, अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो उनको भी जो है वो फ्रेम करके अपनी दीवार पर लटकाना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए, ये खबर है 8 अगस्त 2021 की, अभी की खबर है, बीजेपी नेता नीतीश राणा का बड़ा आरोप, मुंबई में पश्चिम बंगाल जैसे हालात, खतरे में है हिंदू धर्म। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं वहां पर हिंदू खतरे में है बीजेपी के नेताओं के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो बयान दिया गया, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है तो बयान दिया गया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है तो बयान दिया गया, और कहा क्या जाता है, कहा वही जाता है कि पश्चिम बंगाल जैसे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिमट रही है, जीरो पर आ रही है, इसलिए सारी बातें कही जाती है। तो बीजेपी के इन नेताओं को ये सारे जो है जो जवाब, जितने भी नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और बड़े नेता हैं, आरएसएस के जो नेता हैं, उन सबको एक फ्रेम करके लगाना चाहिए। और देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको, प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सभी सांसदों को, विधायकों को, एक एक इसी तरह का फ्रेम करवा करके जो आरटी का जवाब आया है वो भेजना चाहिए कि साहब हिंदू धर्म जो है वो बिल्कुल खतरे में नहीं है। खुद अमित शाह का जो मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वो इस बात को कह रहा है। इसलिए आप प्लीज देश की जो असली मुद्दे हैं उन पर काम करिए, देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर काम करिए, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महिला सुरक्षा, इन पर काम करिए। आप ये इस तरह से रोजाना जो आकर के कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, हथियार उठा लो, आप टीवी पर, व्हाट्सएप पर जो रोजाना मैसेज फैलाते हैं वो बंद कर दीजिए। आप बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच जाए, और उन लोगों को ये खबर जरूर पहुंचा दीजिए, उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, उन लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ये खबर जरूर पेस्ट कर दीजिए, जो रोजाना कहते हैं हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, हिंदू खतरे में है, हिंदू पर ये हो गया वो हो गया, उनको ये खबर जरूर भेजिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो कहा है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि अमित शाह के मंत्रालय ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, या आपको लग रहा है कि अमित शाह का मंत्रालय भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।